मूवी के स्टार्ट होते ही हम दो साइंटिस्ट को देखते हैं जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, जिनमें हस्बैंड का नाम क्लाइव और उसकी वाइफ का नाम एल्सा था। और ये दोनों असल में जेनेटिक साइंटिस्ट थे, यानी ऐसे साइंटिस्ट जो अपने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए नई नई क्रिएचर्स और एनिमल्स बनाए, यानी दो एनिमल्स या फिर क्रिएचर्स के डीएनए को मिक्स करके एक नया एनिमल्स और क्रिएचर बनाए। दोनों एक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी के लिए काम करते थे और इस कंपनी का नाम नर्ड था, NERD नर्ड। और क्लाइव और एल्सा इस कंपनी के लिए ये काम करते थे कि पहले तो ये दो एनिमल्स के डीएनए को मिक्स करते थे जिससे एक नया एनिमल बनता है, और फिर उस एनिमल की प्रोटीन से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की मेडिसिन बनाए। रिसेंटली इन लोगों ने एक नई किस्म का एनिमल भी बनाया था जो कि एक मेल था और दिखने में बिल्कुल डिफरेंट था, और सेम ऐसा ही एनिमल ये पहले भी बना चुके हैं जो कि फीमेल थी। अब ये दोनों एनिमल्स को एक दूसरे के आमने सामने लाते हैं और वो दोनों एनिमल्स एक दूसरे से बहुत प्यार से मिलते हैं, यानी वो दोनों एनिमल्स एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। का मतलब ये था कि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया था। ये देखकर वो दोनों अपनी कंपनी की बॉस के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि हमने बहुत सारे एनिमल्स के डीएनए को मिक्स करके ये अलग तरह का एनिमल बनाया है और इसकी प्रोटीन की मदद से हम बहुत सारी बीमारियों की मेडिसिन बना सकते हैं, और इसके साथ साथ हमने एक नया तरीका भी डिस्कवर किया है, और वो ये कि हम इंसान और जानवर के डीएनए को मिक्स करके एक नई ब्रीड बना सकते हैं और डेफिनेटली हम बहुत सारी बीमारियों की मेडिसिन बना सकते हैं। उनकी बॉस बताती है कि जो काम तुम कर रहे थे यानी जो एक्सपेरिमेंट तुमने किया उससे कंपनी बहुत खुश है, और जो तुम बात कर रहे हो यानी इंसान और जानवर के डीएनए को मिक्स करने की, उसके लिए कंपनी अभी एग्री नहीं होगी फिलहाल, और जो जानवर तुमने बनाए हैं हमारी कंपनी उनके प्रोटीन से मेडिसिन बनाना चाहती है, इसीलिए सारी रिसर्च को रोक कर मेडिसिन बनाने पर फोकस किया जाएगा। जिस पर क्लाइव और एल्सा कहते हैं कि अगर हमने ये काम स्टार्ट ना किया तो कोई और कर देगा, जिस पर बॉस कहती है कि हमने कब कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे, हम ये काम जरूर करेंगे मगर उससे पहले हम मेडिसिन बनाएंगे और उन्हें मार्केट में लाएंगे और उसके बाद तुम्हारे प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा, इसीलिए वो उन दोनों को मना कर देती है। इस बात की वजह से ये दोनों डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों जेनेटिक साइंटिस्ट थे जो किसी कंपनी के लिए जानवरों की प्रोटीन से मेडिसिन बनाने का काम नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि हम सीक्रेटली ही अपनी इस रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए ये अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें इंसान का डीएनए चाहिए था, इसीलिए एल्सा क्लाइव को किसी का एक डीएनए ला कर देती है। क्लाइव पूछता है कि ये किसका डीएनए है, जिस पर एल्सा कहती है कि ये किसी अननोन पर्सन का डीएनए है, और ये फिर इंसान के डीएनए और उन एनिमल्स के डीएनए जिन्हें इन्होंने बनाया था उन पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं लेकिन इन्हें सक्सेस हासिल नहीं होती, और इस बात की वजह से वो काफी अपसेट हो जाते हैं। एक दिन एल्सा एक और डीएनए लेकर आती है और बताती है कि ये सबसे बेस्ट डीएनए है और इसीलिए अब हम अपना एक्सपेरिमेंट इस वाले डीएनए पर करेंगे, और ये फिर उस डीएनए और एनिमल के डीएनए पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और कड़ी मेहनत के बाद इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता नजर आ रहा था, यानी एनिमल का डीएनए और इंसान का डीएनए आपस में मिल रहा था, और अब इन लोगों के पास एक यूनिक किस्म का डीएनए था जो इंसान और जानवर के डीएनए से मिलकर बना था। अब क्योंकि ये इलीगल था इसीलिए क्लाइव इस रिसर्च को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन एल्सा ऐसा नहीं चाहती थी, वो इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती थी, इसीलिए वो उस डीएनए को लेकर एक मशीन रूम में चली जाती है। उस रूम में एक ऐसी मशीन थी जिसमें डीएनए डालने से एनिमल्स और क्रिएचर्स पैदा होना शुरू हो जाते थे, यानी कोई भी जानवर उस मशीन के अंदर इंक्रीज होता रहता था। फिर एल्सा उस मशीन के अंदर उस डीएनए को डाल देती है। क्लाइव एल्सा को कहता है कि ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हम, किसी को बनाना और फिर उसे मार डालना। एल्सा कहती है कि इतने सारे लोग इस दुनिया में रोजाना मरते हैं और हो सकता है कि हमारे इस एक्सपेरिमेंट से इतने सारे लोगों की जान बच जाए, इसीलिए क्लाइव एल्सा की बात मान लेता है, इसीलिए वो अपने काम को स्टार्ट कर देते हैं। मगर हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जिस बच्चे ने मशीन में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना था वो तेजी से बढ़ता जा रहा था। चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन शाम को उस लैब का अलार्म बजने लगता है, और जब ये लोग चेक करने के लिए जाते हैं तो ये देखते हैं कि बच्चा पूरी तरह डेवलप्ड हो गया है, यानी वो पैदा होने के लिए बाहर आने के लिए डेवलप्ड हो गया है, इसीलिए वो उसे बाहर निकाल देते हैं जो काफी अजीब लग रहा था। क्लाइव इस क्रिएचर को मारना चाहता था। एल्सा कहती है कि अभी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि क्या पता कि हम एक सक्सेसफुल क्रिएचर बना लें, लेकिन क्लाइव एल्सा की बात नहीं मानता, इसीलिए वो उस जगह पर जाते हैं जहां पर वो क्रिएचर
टीचर था क्योंकि वो उसे मारना चाहते थे और वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि वो तो पहले ही मर चुका है। इसीलिए क्लाइव वहाँ से चला जाता है। एल्सा कहती है कि अब खतरे वाली कोई बात नहीं है, इसीलिए एल्सा उस बॉक्स को ओपन कर देती है और जब वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई बच्चा कोई क्रिएचर नहीं है बल्कि ये सिर्फ एक स्किन है, यानी उस स्किन में से कोई क्रिएचर निकला है जो उस वक्त लैब में ही है। फिर वहाँ पर वही अजीब सा क्रिएचर दिखाया जाता है जिसके दो पैर थे। बाहर से क्लाइव उस क्रिएचर को देख लेता है और वो एल्सा को कहता है कि तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं पॉइजनस गैस ऑन कर रहा हूँ। लेकिन एल्सा क्लाइव की बात नहीं मानती और वो उस क्रिएचर को कहती है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, इसलिए तुम मत डरो। और ये सुनने के बाद वो अजीब सा क्रिएचर एल्सा के पास आता है और उसे डरता भी नहीं। लेकिन तभी पीछे से क्लाइव एक रॉड लेकर वहाँ पर आ जाता है जिसे देखकर उस क्रिएचर को गुस्सा आ जाता है। फिर क्लाइव और एल्सा वहाँ से बाहर आ जाते हैं। क्लाइव एल्सा को कहता है कि मैं पॉइजनस गैस ऑन कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस क्रिएचर को जिंदा नहीं रख सकता, मैं इसे मारना चाहता हूँ। जिस पर एल्सा कहती है कि नहीं, हम सिर्फ इसे बेहोश कर देंगे क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि हमने क्या बनाया है। इसीलिए वो उसे बेहोश करते हैं और उसे एग्जामिन करने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये क्रिएचर एक फीमेल है असल में, जो बहुत फास्टली ग्रो कर रही है और एक टाइम ऐसा आएगा कि डेवलप्ड होने के बाद मर जाएगी, यानी इसका लाइफ साइकिल बहुत छोटा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये क्रिएचर बड़ा होता जा रहा था, डेवलप होता जा रहा था। उसके हाथ पैर निकलने लगते हैं, उसका दिमाग भी डेवलप्ड हो जाता है और एल्सा उसे इमोशनली कनेक्ट भी होते जा रही थी। वो उसे खाना खिलाती थी, डिफरेंट एक्टिविटीज सिखाती थी। एक दिन एल्सा उस क्रिएचर को बहुत सारे अल्फाबेट्स देती है और उसे कहती है कि इन अल्फाबेट्स को ऐसे अरेंज करो कि मेरा नाम बन जाए। लेकिन वो क्रिएचर सिर्फ नर्ड बना देती है, NERD, जो इस कंपनी का नाम था, क्योंकि उसने एल्सा की शर्ट पर ये स्पेलिंग देखे थे। ये देखकर एल्सा खुश हो जाती है क्योंकि वो अब चीजों को पिक कर रही थी। तभी वहाँ पर क्लाइव आ जाता है जो उस क्रिएचर को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था। वो कहता है कि इस क्रिएचर को बाहर किसने निकाला, अंदर रखो इसे, और इसकी दुम भी कवर होनी चाहिए। असल में उस क्रिएचर की एक काफी लंबी दुम थी। एल्सा क्लाइव को कहती है कि इसे जानवर मत कहो। क्लाइव कहता है तो फिर मैं क्या कहूँ इसे। वो कहती है कि तुम इसे ड्रेन कहो क्योंकि इसने अभी अभी अल्फाबेट से NERD नर्ड बनाया है जिसे उल्टा करके ड्रेन बनता है। और फिर एक दिन क्लाइव का भाई भी ड्रेन को देख लेता है और उसे ड्रेन की सारी रियलिटी पता चल जाती है। अब क्योंकि वो ड्रेन को वहाँ पर नहीं रख सकते थे इसीलिए वो उसे एक फार्म हाउस में भेज देते हैं। और अब वो टाइम आ जाता है जब क्लाइव और एल्सा ने कंपनी के ऑनर को प्रेजेंटेशन देनी थी उन क्रिएचर्स के बारे में जो उन्होंने पहले बनाए थे। और जब वो प्रेजेंटेशन देने के लिए उन दोनों क्रिएचर्स को कंपनी के ऑनर के सामने लाते हैं और तब वो दोनों क्रिएचर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और इसी में ही उनकी मौत हो जाती है। और इस बात की वजह से वो लोग काफी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। फिर वो उन दोनों क्रिएचर्स के लड़ने का रीजन ढूंढते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उन क्रिएचर में जो फीमेल थी वो अपने आप ही कन्वर्ट हो गई थी, यानी उसने अपना जेंडर चेंज कर लिया था और वो मेल बन गई थी क्योंकि उस क्रिएचर में एक ऐसे एनिमल का DNA था जो खुद को कन्वर्ट करके अपना जेंडर चेंज कर सकते थे। और एल्सा और क्लाइव को ये बात इसीलिए पता नहीं चल पाई क्योंकि वो अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट यानी ड्रेन के साथ बहुत बिजी थे और यहाँ पर वो टाइम ही नहीं दे पाए। ड्रेन जो कि अब काफी बड़ी हो चुकी है और एल्सा उसे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करती थी, उसे सब कुछ सिखाती है, उसे प्यार करती है। लेकिन एक दिन ड्रेन भाग कर जंगल में चली जाती है और जब क्लाइव और एल्सा उसे चेक करने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि ड्रेन ने एक रैबिट को मार दिया है और वो उसे खा रही है। इसके बाद वो दोनों उसे घर ले आते हैं। एल्सा फिर जब ड्रेन को खाना देती है तो वो खाना नहीं खाती बल्कि कहती है कि मैं इस बोर जगह की वजह से बहुत ज्यादा बोर हो गई हूँ। ये बात वो अपनी जुबान से नहीं बताती बल्कि वो उन अल्फाबेट्स की मदद से TDS लिख देती है, यानी यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ। फिर वो छत को फाड़ कर ऊपर चली जाती है। तब उसके पीछे पीछे क्लाइव और एल्सा भी जाते हैं। वो देखते हैं कि ड्रेन की तो विंग्स निकल आए हैं और वो अभी बस उड़ने ही वाली होती है कि क्लाइव उसे कहता है कि रुको, हम तुमसे प्यार करते हैं, हमें तुम्हारी जरूरत है, हम तुम्हें अपने पास रखेंगे। ये सुनकर ड्रेन की विंग्स वापस उसकी बॉडी में चले जाते हैं। ड्रेन का दिमाग अब काफी तेज हो गया था, वो चीजों को अंडरस्टैंड करने लगी थी, अच्छे बुरे को समझने लगी थी। एक दिन ड्रेन को एक बिल्ली मिलती है लेकिन एल्सा उससे वो बिल्ली छीन लेती है क्योंकि एल्सा को डर था कि ड्रेन कहीं उस बिल्ली को भी न मार दे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम हैरत में डाल देने वाली एक चीज देखते हैं और वो ये कि ड्रेन को क्लाइव अच्छा लग रहा था, जिससे क्लाइव को पता चल जाता है कि ड्रेन के अंदर जो इंसान का DNA उन्होंने डाला था वो किसी और का नहीं था बल्कि वो खुद एल्सा का ही था। इस बात से क्लाइव एल्सा से नाराज होता है, वो उसे कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आहिस्ता आहिस्ता एल्सा का प्यार ड्रेन के लिए खत्म होता जा रहा था, इसीलिए एल्सा वो बिल्ली ड्रेन को दे देती है। ड्रेन की दुम नोकदार थी इसीलिए ड्रेन अपनी नोकदार पूंछ को उस बिल्ली के गले में चुभा कर उसे मार डालती है। ये देखकर एल्सा को बहुत गुस्सा आता है और वो ड्रेन को
स्लैप कर देती है। थप्पड़ लगने की वजह से ड्रेन एल्सा के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है और वो एल्सा के गले में लगी एक चाबी को निकालती है और दरवाजा खोलकर वहां से चली जाती है। ड्रेन के अलग अलग फेसेस उन लोगों के सामने आ रहे थे। फिर हम देखते हैं कि एल्सा वो प्रोटीन बनाने में कामयाब हो चुकी थी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी ने उस पर लगाई थी। फिर एक दिन क्लाइव कैमरा की फुटेज यानी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर दिख रहा होता है कि ड्रेन कहां पर है और ड्रेन उस वक्त पानी में होती है और अब क्लाइव को भी ड्रेन अच्छी लगने लगी थी और वो अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर हाथ लगाता है। दूसरी तरफ ड्रेन भी कैमरा को टच करती है यानी वो क्लाइव के हाथ को अपना हाथ लगाती है क्योंकि वो जान चुकी थी कि क्लाइव उसे देख पा रहा है। ये देखकर क्लाइव काफी हैरान रह जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्लाइव उस फार्म हाउस उस जगह पर आया है जहां पर ड्रेन थी। क्लाइव वहां पर अकेला आया था यानी उसके साथ एल्सा नहीं थी। क्लाइव ड्रेन को आवाज लगाता है लेकिन वो उसे कहीं पर भी नजर नहीं आती। तभी क्लाइव पीछे मुड़कर देखता है तो ड्रेन उसके पीछे खड़ी होती है। तभी ड्रेन क्लाइव के पास आकर उसे कहती है कि तुम मुझे अच्छे लगते हो। इस पर क्लाइव कहता है कि नहीं, ये बुरी बात है। लेकिन अब क्योंकि क्लाइव को भी ड्रेन अच्छी लगती थी इसीलिए वो भी अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन इतनी ही देर में वहां पर एल्सा आ जाती है। वो जब उन दोनों को साथ देखती है तो उसे बहुत बुरा फील होता है, इसीलिए वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। अब क्योंकि ड्रेन की दुम का इतना बड़ा नेल था यानी वो किसी के लिए भी खतरा हो सकता था, इसीलिए एल्सा उसकी दुम काट देती है। एल्सा बहुत ज्यादा सैड होती है और यहाँ पर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्हें ये क्रिएचर नहीं बनाना चाहिए था। एल्सा कहती है कि जो प्रोटीन कंपनी को चाहिए था वो मैं बना चुकी हूँ और वो ड्रेन के अंदर है, बहुत ज्यादा है। और अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो ड्रेन को मार डालेंगे। फिर वो दोनों ड्रेन के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि ड्रेन की हालत तो ऑलरेडी मरने वाली है और देखते ही देखते ड्रेन मर जाती है क्योंकि हम जानते हैं कि उसका लाइफ साइकिल इतना ही था। उसके मरने के बाद वो दोनों उसे करीबी जगह पर दफना देते हैं। दफनाने के बाद क्लाइव का भाई वहां पर आता है और उसके साथ एक और एम्प्लॉय था और क्लाइव का भाई भी उसी कंपनी में काम करता था। क्लाइव का भाई कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम दोनों ने एक क्रिएचर बनाया है जो बिल्कुल इंसानों जैसा लगता है क्योंकि जो प्रोटीन तुमने कंपनी को दिया है उसमें ह्यूमन का डीएनए भी शामिल है, इसीलिए अब मैं उस क्रिएचर को देखना चाहता हूं जो तुमने बनाया है। जिस पर वो कहते हैं कि वो तो मर चुकी है और हम तो उसे दफन भी कर चुके हैं। और तभी किसी की जोरदार चिल्लाने की आवाज आती है और ये आवाज उस तरफ से आ रही थी जहां पर उन्होंने ड्रेन को दफन किया था, इसीलिए वो जल्दी से उसी तरफ भागते हैं। वो देखते हैं कि जहां पर उन्होंने ड्रेन को दफन किया था वो वहां पर नहीं है बल्कि वो ऊपर छत पर खड़ी हुई थी यानी वो दोबारा जिंदा हो गई थी और इस बार वो पावरफुल होने के साथ साथ खतरनाक भी लग रही थी और उसकी विंग्स भी बाहर आ गए हैं और उसकी दुम भी रीजनरेट हो गई है क्योंकि वो तो काट दी थी एल्सा ने। और तभी ड्रेन उन लोगों पर अटैक कर देती है और वो क्लाइव की भाई और जो उसके साथ एम्प्लॉय आया था उन दोनों को मार डालती है और इसी क्लैश के दौरान क्लाइव बेहोश हो जाता है। इसके बाद ड्रेन एल्सा के पास आती है और उसे पकड़ लेती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि असल में ड्रेन ने भी अपना जेंडर चेंज कर लिया था क्योंकि उसके अंदर उस एनिमल का डीएनए था जो खुद को कन्वर्ट कर सकते थे, अपना जेंडर चेंज कर सकते थे और अब वो मेल बन गई, इसीलिए वो एल्सा के पास आ गई। लेकिन तभी पीछे से क्लाइव आकर लकड़ी के एक टुकड़े को ड्रेन के अंदर घुसा देता है जिससे ड्रेन इंजर्ड हो जाता है, इसीलिए वो एल्सा को छोड़ देता है। लेकिन बाद में वो अपनी उस लकड़ी को निकाल कर क्लाइव पर अटैक कर देती है। तभी एल्सा एक पत्थर उठाकर ड्रेन को मारती है। इसके बाद एल्सा उसे दोबारा पत्थर से मारने लगती है लेकिन अचानक वो रुक जाती है और कुछ सोचने लग जाती है क्योंकि हमने इसे अपने हाथों से बनाया था और अब इन्हीं हाथों से हम इसे मार रहे हैं। एल्सा ये भी सोचती है कि इसके अंदर तो मेरा डीएनए भी है। लेकिन इसी दौरान ड्रेन मौके का फायदा उठाकर क्लाइव को अपनी दुम से मार डालती है। एल्सा फिर से उसी पत्थर से ड्रेन को मारती है और अब फाइनली ड्रेन की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें एल्सा और उनकी बॉस दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि एल्सा को बेबी होने वाला है और वो बेबी होता है ड्रेन का क्योंकि उसने अपना जेंडर चेंज कर लिया था, इसीलिए एल्सा की बॉस उसे बताती है कि जो प्रोटीन तुम लोगों ने हमें दिया था उससे कंपनी को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ और अब कंपनी इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती है और जो एल्सा का होने वाला बच्चा था इस रिसर्च को उसके जरिए ही आगे बढ़ाया जा सकता था। अब क्योंकि एल्सा ने अपनी जिंदगी पर रिस्क लेकर अपने हस्बैंड को खोकर इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत की थी, इसीलिए कंपनी एल्सा को काफी ज्यादा अमाउंट देती है। अब क्योंकि एल्सा एक जेनेटिक साइंटिस्ट थी इसीलिए ना चाहते हुए भी वो इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती थी। और इसी के साथ ही इस मूवी का यहीं पर द एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।